हेलो दोस्तों, मैं जुनैद एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। आज की वीडियो की वो अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। आप इन्वेस्ट करते हैं, इसमें ट्रेडिंग करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने से ज़्यादा आप लूज़ कर जाते हैं। तो क्यों लूज़ करते हैं? क्योंकि आपको क्रिप्टो करेंसी का बेसिक ही नहीं पता। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? पता है, हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी का हिस्ट्री से लेकर के फ्यूचर तक सब कुछ इसके बारे में। अभी बात करने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी की, क्या है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम इसमें पैसा कमा सकते हैं और क्या स्ट्रेटजी यूज़ होती है। जो बड़े बड़े जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं जिनको हम व्हेल्स कहते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, किस लिए वो पैसे पे पैसा कमाते जा रहे हो और आप लूज़ करते जा रहे हो, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। और ये भी बताने वाला हूँ कि किसी देश के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों बना हुआ है, क्योंकि इतना पॉपुलर हो रहा है। आपने देखो, बच्चा बच्चा जानता है डोजी कॉइन, शिबा कॉइन वगैरह वगैरह बहुत सारे कॉइन्स हैं। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट बना हुआ और किसी देश के लिए, जो कि एक कहते ना बहुत बड़ी समस्या भी बना हुआ है और किसी देश के लिए बहुत बड़ा लाभ भी है इससे। तो आज की वीडियो ओवरऑल बहुत अपडेट हो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें बहुत सारी अपडेट्स मिलने वाली हैं आपको। तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरी क्रिप्टो करेंसी लेकर के रिकॉर्डिंग में जो भी वीडियोज़ होती है, न्यूज़ होती है, सब जो भी कॉइन्स होते हैं वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। अपनी आज की वीडियो, वट इज़ क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी इज़ अ डिजिटल और वर्चुअल करेंसी, वर्चुअल करेंसी भी कह सकते हैं और वर्चुअल असेट भी कह सकते हैं। अभी क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा कि रुपया एक करेंसी है, डॉलर एक करेंसी है, दिनार एक करेंसी है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी भी एक करेंसी है। इसके लिए हमें पहले वट इज़ क्रिप्टो करेंसी जानने के लिए पहले हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है मनी और करेंसी। करेंसी में क्या डिफरेंस और मनी में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो मनी होता है ना, मनी उसकी जो वैल्यू है ना वो फिक्स्ड रहती है। हाँ, मतलब फिक्स्ड क्या क्या मतलब, कहने का मतलब ये कि हाँ उसकी वैल्यू बनी रहती है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड की वैल्यू ऊपर नीचे होती है, लेकिन खत्म से ये रुपया डॉलर है उसको गवर्नमेंट जब चाहे कितना प्रिंट कर सकती है, कितना चाहे कम प्रिंट कर सकती है। तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ती है। तो इसके चलते एक सेंट्रलाइज सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट के हाथ में होता है, जब चाहे उसको कंट्रोल करती है, जब चाहे उसको जैसे चला सकती है। तो एक इसी में एक दूसरा निकल के आता है हमारा क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड है। इसको डिसेंट्रलाइज्ड किस लिए कहते हैं, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, जब चाहे इसको प्रिंट नहीं कर सकते, जब चाहे इसको कम नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी एक लिमिटेड सप्लाई होती है। जो बिटकॉइन है हमारा, बिटकॉइन एक मनी के रूप में होता है, क्रिप्टो करेंसी इसका नाम है। बिटकॉइन जो है एक मनी के रूप में होता है। बिटकॉइन की वैल्यू आज $45,000 अप्रोक्स चल रही है और इनकी लिमिटेड सप्लाई होती है, इनको बार बार नहीं बना सकते। इनको बार बार क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये रिसोर्सेज से बनते हैं वो हमारे पास लिमिटेड है। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण हम इनको बार बार नहीं बना सकते। चल झूठा गाइज, जो पहला क्वेश्चन उठता है कि इसको क्यों बनाया और किसने बनाया, जो अभी हम बात करने वाले, किसने बनाया? देखिए, ना ये किसी गवर्नमेंट ने बनाया, ना किसी देश की जो पर्टिकुलर देश होता है किसी ने बनाया, ना अमेरिका ने बनाया, ना इंडिया ने बनाया, ना रशिया, चाइना, किसी ने नहीं बनाया। तो बनाया किसने? बिटकॉइन को बनाने वाले का किसी को नहीं पता कि बिटकॉइन किसने बनाया, क्यों बनाया। ये तो पता है अभी क्यों बनाया, स्पेशल पर्पज आ गया उसका, लेकिन किसने बनाया अभी तक क्या नहीं पता। 20 मिलियन जो कि उसकी टोटल सप्लाई है, उसका हाफ जो सप्लाई है ना, वो अभी भी बिटकॉइन बनाने वाले के पास है। यशस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। बिटकॉइन बनाने वाले का सिर्फ एक नाम पता है, सतोशी नाकामोटो, लेकिन किसने पर्टिकुलर बनाया वो नहीं पता है। सिर्फ एक नाम दे दिया गया है कि हाँ इस बंदे का है, वो ओनर कहलाता है उसका, वो सब कुछ डिटेल्स देता है उसकी, लेकिन किसने बनाया अभी तक वो नहीं आता क्यों बनाएगा। आपने देखा होगा 2008 में जब ग्लोबली मार्केट क्रैश हुई थी, अपनी शेयर मार्केट क्रैश हुई थी, तो उस टाइम पर अपनी क्रिप्टो मार्केट नहीं थी, ठीक है। उस टाइम पर ही क्रिप्टो मार्केट आई। क्यों आई थी? जब देखा आपने, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने देखा कि जो भी हमारा पैसा है वो एक गवर्नमेंट के हाथ में होता है, कंपनीज़ के हाथ में होता है हमारा पैसा। जब वो चाहे अपने कंपनी के शेयर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जिससे कि उनका कोई अपने पैसे पर अपना राज नहीं होता, सिर्फ कंपनियाँ उनके पैसों पर राज करती हैं। तो फिर एक बंदे ने अपना दिमाग लगाया कि उन्हें हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो डिसेंट्रलाइज्ड हो, जो लोग पैसा इन्वेस्ट करें उनका पैसा उनके हाथ में हो, जब वो डिसीजन लें अपने, जब निकालें, जब डालें पैसा, जब प्रॉफिट बुकिंग करें, जब चाहें अपने कॉइन्स को अप स्टोर करें, किसी को दें, कुछ भी करें। तो उसने बनाया बिटकॉइन। बिटकॉइन एज असेट के रूप में बनाया गया था, लेकिन बाद में 2009 और 10 के
दसवें एक करेंसी के रूप में एक्सेप्ट किया गया, इसको एज अ पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया गया लेन देन के लिए, जिसमें जिससे कि एक इसमें एक हाइप देखने को मिली थी, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल जितने भी थे, क्योंकि डिसेंट्रलाइज था, सबने इसमें इन्वेस्ट करा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज होने के कारण सबका किसी का इसमें पर्टिकुलर राज नहीं था, सब अपने अपने तरीके से इसको यूज़ करते थे। तो इसमें एक हाइप देखने को मिली, जो कॉइन 25 पैसे का मिलता था वो डायरेक्टली हमें हज़ारों में देखने को मिला। जैसे कि आपने एक एग्जाम वो तो सुना ही होगा कि रियल लाइफ के ऊपर है, कि एक बंदे ने 25,000 बिटकॉइन के बदले सिर्फ एक पिज़्ज़ा लिया था, एक पिज़्ज़ा 25,000 नहीं 10,000 बिटकॉइन के बदले एक पिज़्ज़ा लिया था उस बंदे ने। तो सोचो 2009 में उस बंदे ने एक पिज़्ज़ा लिया था 10,000 बिटकॉइन के बदले, आज अगर 10,000 बिटकॉइन, अगर उसके पास 5 बिटकॉइन होता कितना अमीर बंदा होता, वेल कहलाता वो भी एक तरीके से, कहलाता नहीं कहलाता, वेल कहलाता। तो यही था पर्पज़ इसको बनाने का, कि क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड था, डिसेंट्रलाइज्ड होना इसका, लोगों का इस पर अपना खुद का राज होना, मतलब जब चाहें वो कुछ भी कर सकते हैं, इसके साथ पैसा निकाल सकते हैं, बांट सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर बंदे का इस पर राज ही नहीं था। रुको जरा सबर। अब बात आती है इसको, जैसे ही दो पॉइंट हो गया, अभी क्यों बनाया, किसने बनाया, पॉइंट हो गया। अब बात आती है कि जो हमारे देश है इसको लेकर के इतने चिंतित क्यों रहते हैं कि रेगुलेट करें या बैन करें। देखियो बैन किस लिए करना है, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया इसके जितने यूज़फुल है, जितने इसके हमको एडवांटेजेस दिख रहे हैं, उससे ज़्यादा इसके कई डिसएडवांटेज हैं। मान लो मैंने आपको पैसे भेजे, ठीक है, आपको पता है कि मैंने पैसे भेजे, लेकिन किसी तीसरे बंदे को पता नहीं होता कि पैसे भेजे या नहीं भेजे। जब हम बैंक में पैसे रखते हैं तो हमें एक फिक्स डिपॉजिट पे एक अमाउंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, जिससे कि 5-7% का होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में हमको ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी ऐसा ही होता है। जैसे कि जो हमारा देश है, अगर हम मान लीजिए अगर हम 10 लाख रुपये रख रहे हैं, तो हमें उस पर 10 लाख पे तो हमारा टैक्स ही लग जाना है 30% तक के अप्रोक्स, तो 3 लाख तो वैसे ही चले जाएंगे, 3 लाख तो वैसे चले गए ना 10 लाख में, तो फिर क्या बचा, कुछ नहीं, जो हमारा था वो तो गायब ही हो गया। इसीलिए एक इसको बंदे एक एज आ पेमेंट के रूप में इसलिए करते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े बंदे होते हैं, जो बड़े बड़े अमीर बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं, बिटकॉइन के रूप में ट्रांजेक्शन करते हैं। किसी एक देश के को दूसरे देश में पैसे भेजने हैं तो बिटकॉइन के द्वारा ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते। जिसको 5 लाख भेजने हैं, ज़्यादा $1 कटता है, पैसे भी चले गए उनके, कोई चार्ज नहीं कटा। तो इससे क्या होता है, देश को नुकसान होता है, देश की इकोनॉमी को नुकसान होता है। जो हमारा बैंक आता है ना बीच में, देश और बैंक, जो ग्राहक और देश के बीच में जो बैंक आता है, जो बैंक अपना इंटरेस्ट कट करता है, अपनी ट्रांजेक्शन फीस कट करता है, टैक्स काटता है, वो जो होता है ना उस टाइम पे, वो बैंक की जो सारी जो फैसिलिटीज़ है वो हमारे अमाउंट से मिलती है, हमारे अमाउंट को उसको फैसिलिटीज मिलती है, उसको जो प्रॉफिट होता है हमारे अमाउंट से होता है, तो वो उसका प्रॉफिट खत्म हो जाता है। तो जो हमारा RBI है उसको रेगुलेट करने के लिए बार बार इसलिए बोलते हैं, इसको बैन करने के लिए बार बार इसलिए बोलते हैं, क्योंकि उसको नुकसान होता है, कि और इससे नुकसान होता है तो देश की इकोनॉमी को भी नुकसान होता है। इसलिए इसको सारे के सारे देश जो थे कभी बैन करते हैं, कभी रेगुलेट करते हैं। चाइना में देखा होगा आपने बहुत बार बैन की न्यूज़ आई, इंडिया में भी अभी पीछे बहुत हाई बनी थी, बैन होगा, बट नहीं हुआ। इसका बहुत अच्छा फ्यूचर है, इसकी जो टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। अभी मैं बताता हूँ इसके करियर्स के बारे में, आप इसमें बहुत तरीके से पैसे कमा सकते हैं, इन्वेस्टिंग से कमा सकते हैं, ट्रेडिंग, SIP, स्टेकिंग, एयर ड्रॉप वगैरह सब में पैसे कमा सकते हैं। और इसका ब्लॉकचेन में करियर एक अच्छा है, ये उभरता हुआ सितारा कहते हैं ना, उभरता हुआ सितारा है ब्लॉकचेन। अगर आप अभी से आपने जान लिया ब्लॉकचेन के बारे में, तो जो मेरी नॉलेज में बंदे हैं ना 20-20 लाख रुपये तक का पैकेज उठा रहे हैं, जिनको मैं फॉलो करता हूँ ना, उनका एक फ्रेंड है 20 लाख रुपये पर मंथ मिलते हैं उसको, ज़ायनवर्स में अपना काम करता है, ज़ायनवर्स कंपनी में काम करता है, 20 लाख रुपये पर मंथ ब्लॉकचेन में, बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप भी जान लेंगे इसके बारे में तो बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 30-40 के आपको इंडिया में हर उसमें मिल जाएगा, हर जगह आपको कंपटीशन मिलेगा, लेकिन ब्लॉकचेन में अभी कंपटीशन नहीं है, एक उभरती हुई चीज़ है। अभी से अगर आपने जान लिया ना, तो आने वाले 5-10 साल में ना आप किंग होंगे इसके, आपको एक अच्छा बहुत करियर और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो गाइज इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो गाइज जैसा भी मैंने बताया, सारे अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेज आपको समझ आ गए होंगे, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आप इसमें अपना पैसा लगाएं SIP के। लेकिन पैसा लगाने से पहले रिसर्च जरूर करें, मेरे जो चैनल है उस पर सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको, इसकी सीरीज़ बना रहा हूँ मैं, आप पैसा किस तरह से कमा सकते हैं, किस तरह से ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग हमें करने के लिए कौन कौन से एक्सचेंजेस पे ले सकते हैं, अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक भरोसेमंद एक्सचेंज हो जहाँ पे हम अपना पैसा सेव रख सकते हैं। तो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। फिर से मैं बोल के जा रहा हूँ, टेक केयर, टाटा बाय बाय।